सो हाई गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो OB39 अपडेट के बाद गर्ना ब्रो ने बहुत सारे कैरेक्टर बंडल को हम लोग को गोल्ड से एक्सचेंज करने के लिए दे दिया है। हाँ। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्ड स्टोर इवेंट के बारे में, हम लोग को गोल्ड से और क्या कुछ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले है, गन स्किन बंडल वगैरह की गोल्ड से एक्सचेंज करने के लिए जो इवेंट गेम के अंदर आएगा उसका डेट क्या है आज ईवी बताऊंगा, एंड क्या कुछ रिवॉर्ड हमको मिलेंगे वो भी कन्फर्म करने वाला हूँ। साथ ही साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, हम लोग को नेक्स्ट में इनक्यूबेटर के अंदर क्या कुछ रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं, बंडल और गन स्किन वो भी दिखाने वाला हूं। और तो और इतने नहीं गाइस, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रमजान के थीम पे आने वाले गेम के अंदर एक न्यू टोकन टार इवेंट के बारे में, बात कर लेंगे रमजान के थीम पे आने वाले एक न्यू M1007 स्किन के बारे में, इस बार भी एक न्यू M1007 स्किन को रेडी किया गया है जो कि रमजान के थीम पे गेम के अंदर आएगा, तो आज उसको पर अपडेट दूंगा। एंड साथ ही साथ में गाइस, OB39 अपडेट स्पेशल कुछ न्यू इमोट वगैरह निकल कर आया है जिसका मैं आज इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाला हूं, कुछ और भी अपडेट आप लोगों को वीडियो के अंदर आगे जाकर पता चलेगा, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा स्किप ना करके, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो आओ गाइस, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरुआत करेंगे हम अपने एक न्यू टोकन टार इवेंट से जिसके अंदर कि आपको रमजान के थीम पे एक न्यू M1007 का स्किन भी देखने को मिला है। गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर रिव्यू के अंदर देखी पा रहे हो, बेसिकली एक टोकन टार इवेंट यहां पर निकल कर आया है जो कि आप लोग को रमजान के थीम पे अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है। बेसिकली तीन आइटम्स यहां पर ऐड किया गया है, सबसे पहले आप लोग को तीन टोकन निकलने पर ये वाला M1007 का स्किन देखने को मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, और इसके अंदर हमको एट्रीब्यूट जो देखने को मिलता है वो भी गर्ना बोलने बहुत ज्यादा धमाकेदार एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड किया है। बेसिकली इसके अंदर दिया गया है सिंगल डेट ऑफ फायर और साथ में डबल रीलोड स्पीड, और उसके बाद आपको ये वाला वेक्टर का गन स्किन भी अपने मतलब टोकन टार इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले, हालांकि ये कोई एनिमेशन वाला नहीं है, मतलब कह सकते हम थीम गन स्किन है वेक्टर का। देन गाइस तीसरे में आपको ये वाला कटना का स्किन देखने को मिलने वाले अपने टोकन टार इवेंट में, बाकी गाइस को ये तीनों रिवॉर्ड के अलावा गर्ना वाले जो है अपने सर पे M1007 के साथ में कुछ और भी रिवॉर्ड्स अपने टोकन टार इवेंट के अंदर ऐड करा सकते हैं, और करा के आप लोग को अपने गेम के अंदर एक इवेंट अवेलेबल कराएंगे रमजान के थीम पे जहां पर कि आपको ये नया M1007 का स्किन देखने को मिलेंगे और साथ ही में कुछ और आइटम्स। बाकी गन स्किन काफी बढ़िया है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट वगैरह देखने को मिलता है वो भी नॉर्मली ठीक ठाक सा है, और इसीलिए गर्ना वाले जो हमको ये टोकन टार इवेंट के अंदर ही देंगे, कुछ और इवेंट के अंदर ये नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हो अगर किसी और इवेंट के अंदर आएगा तो भाई यहाँ पर हम टोकन से भी चाहेंगे तो गन स्किन को एक्सचेंज कर पाएंगे, हालांकि अपने जो टोकन टार इवेंट होता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई, स्पिन आपको करना ही पड़ेगा और जब इवेंट के अंदर दिया गया मेन टोकन निकलेगा उसके बाद ही आपको गन स्किन जो है देखने को मिलने वाले है। बाकी गेस्ट को ये सब करने में भाई ऑलमोस्ट आप लोगों को 2 से 3 हजार डायमंड खर्च करना पड़ेगा, तब जी आपको अपना नया M1007 का स्किन जो है देखने को मिलने वाले टोकन टार इवेंट के अंदर से। अब अगर गर्ना वाले आगे जाके इसको अपने रिंग इवेंट के अंदर अवेलेबल कराते हैं तो भाई डायमंड थोड़ा सा कम हो जाएगा, हालांकि उसका चांस मुझे बहुत ही कम लगता है। बाकी गाइस यही था अपडेट अपने न्यू M1007 स्किन के ऊपर, कैसा लगा है आप लोगों को नया M1007 का स्किन और उसका एट्रीब्यूट सिंगल डेट ऑफ फायर डबल रीलोड स्पीड, आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करेंगे अपने एक दो न्यू इमोट के बारे में जिसको कि OB39 अपडेट के थीम पे डिजाइन किया गया है। बात करें फर्स्ट इमोट के बारे में गाइस, आप लोग यहां पर अपना जो पहला इमोट है वो देख पा रहे हो, बेसिकली गाइस देखो ये आप लोगों को इवोल्यूशन M10 मैक्स करने के बाद देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इवोल्यूशन M10 2.0 का इमोट है और ये कुछ ऐसा देखने में रहेगा। बाकी गाइस देखा जाए ये काफी एक बेहतरीन इमोट डिजाइन किया है गर्ना ब्रो ने अपने तरफ से भाई इवोल्यूशन M10 के अंदर थोड़ा सा बेहतर इमोट को इस बार दिया है मैक्स लेवल पर। वैसे गाइस ये इमोट हर किसी को तो नहीं मिलने वाले है, जो भी इवोल्यूशन M10 को मैक्स करेगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, इसलिए आओ गाइस आगे बढ़ते हैं और ऐसे कुछ इमोट को बार बात करते हैं जो कि हम सबको मिलने के लिए मौका मिलेगा। तो बेसिकली आप लोग गाइस यहां पर कुछ एक न्यू इमोट देख सकते हो जो कि बेसिकली अपने फेस्टिवल के थीम पे डिजाइन किया गया है, और देखकर तो भाई लग ही रहा है अपना रमजान का इवेंट है, जैसे गेम के अंदर रमजान का इवेंट आ जाएगा उसके बाद गाइस आप सभी को ये वाला इमोट भी अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है। बाकी गाइस को इमोट थोड़ा सा छोटा है, मतलब ज्यादा टाइमिंग का ये इमोट नहीं है, कुछ सेकंड का ही बस इमोट है, इसलिए गाइस चांसेस बढ़ जाता है कि आप लोग को ये इमोट बहुत कम डायमंड टॉप करने पर ही देखने को मिल जाए, या फिर गाइस ऐसे हो सकता है कि रमजान के थीम पे गेम के अंदर जितने सारे इवेंट आएगा उनमें से किसी ऐसे इवेंट के अंदर करने वाले इस वाले इमोट को ऐड करेंगे जहां पर कि बहुत कम डायमंड लगाकर ही आप लोग इस वाले इमोट को बाई कर पाओगे। हमेशा फ्री में मिलने का चांस तो मुझे बहुत ही कम लगता है, बिकॉज गाइस को जो इमोट है थोड़ा सा बढ़िया ही देखने में लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आप लोग को इमोट बिल्कुल फ्री में तो देखने को नहीं मिलने वाले है, किसी मतलब वो इवेंट के अंदर या फिर रिंग इवेंट के अंदर ही शायद देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। गाइस को ये बात आप सब लोग जानते हो कि भाई बहुत टाइम से हमको अपने इनक्यूबेटर के अंदर कुछ भी बंडल वगैरह देखने को नहीं मिले हैं, बैक टू बैक 2-3 बार हमको गन स्किन देखने को मिल गया अपने इनक्यूबेटर के अंदर। फिलहाल भी अपने वुड पिकर के गन स्किन चल रहा है जो कि शायद 5 दिन बाद चेंज हो जाएगा अपने इनक्यूबेटर के अंदर से, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, आप लोग जब मेरी वीडियो को देख रहे हो शायद तब 4 दिन बचा हो 3 दिन बचा हो, तो जबकि अपना इनक्यूबेटर इतना जल्दी गेम के अंदर जाने वाला है तो इसका रिव्यू तो करना बनता है। लेकिन गाइस को बहुत टाइम बाद गर्ना ब्रो ने कुछ बंडल को
डिजाइन किया है अपने इनक्यूबेटर के अंदर देने के लिए। ऑलमोस्ट 3 बार गन स्किन आया है, उसके बाद हमको बंडल देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बंडल भी काफी तगड़ा डिजाइन है इस बार का, लेकिन इस बार का जो इनक्यूबेटर का सिस्टम है गाइस वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। आप लोगों को पता है बंडल हमको 2 तरीके से देखने को मिलता है अपने गेम के अंदर। या तो हमको 6 बंडल मिलेंगे, 3 इनक्यूबेटर में मेल बंडल और 3 फीमेल बंडल, और या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको 3-4 बंडल एक साथ में मिल जाए जिसको मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज कर पाएंगे। लेकिन आप लोग गाइस यहां पर रिव्यू के अंदर देख पा रहे हो बेसिकली आप लोग को नेक्स्ट में इनक्यूबेटर के अंदर कुल मिला के 4 बंडल देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें पहले आप लोग को 2 गोल्डन कलर का बंडल देखने को मिलेंगे, गोल्डन में मेल एंड फीमेल दोनों बंडल रहेगा, और उसके बाद आपको ब्लू कलर में और 2 बंडल देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिला के 4 बंडल आएगा जिसमें 2 मेल बंडल रहेगा और 2 फीमेल बंडल। मुझे फीमेल बंडल पर्सनली बहुत बढ़िया लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है भाई। बाकी आप सभी को नेक्स्ट इनक्यूबेटर का बंडल वगैरह देखने में कैसा कुछ लग रहा है आप लोग जो भी बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ पर आपको मैं 4 बंडल का रिव्यू करा देने वाला हूँ जो कि आप लोग को नेक्स्ट में इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। टॉप वाला जो बंडल है उसका प्राइस पहले की तरह सेम ही है, मतलब कि 7 इवोल्यूशन स्टोन एंड साथ में 3 ब्लूप्रिंट, और जो फीमेल बंडल दिया गया है उनमें आपको 6 इवोल्यूशन स्टोन और साथ में 3 ब्लूप्रिंट। एंड गाइस देखो लास्ट में आपको जो और दोनों बंडल मिलता है ब्लू कलर में, उसमें जो मेल का बंडल है उसका प्राइस है 5 इवोल्यूशन स्टोन 2 ब्लूप्रिंट, एंड जो फीमेल बंडल है उसमें आपको 4 इवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट। कुछ ऐसा तरीके से आपको नेक्स्ट इनक्यूबेटर अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पूरा यहाँ पर मैं रिव्यू करा दिया हूँ। फीमेल बंडल ऑलवेज मुझे पसंद है, मेल बंडल बिल्कुल नहीं लग रहा है बढ़िया। क्या बात करते हैं यार, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने गोल्ड से कंपेयर करने वाले कुछ और न्यू इवेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली गाइस को ये खबर तो आप लोगों को पता चली गया कि भाई गेम के अंदर जितने भी हमको कैरेक्टर देखने को मिलता है और जितने भी कैरेक्टर के बंडल्स वगैरह है, बंडल तक को भी गोल्ड से एक्सचेंज करने के लिए दे दिया गया है। जो डीजेलो कैरेक्टर का प्राइस था ऑलमोस्ट पहले 500 डायमंड और उसका बंडल का प्राइस था 1200 डायमंड, अभी सिर्फ उसी बंडल को दिया जा रहा है और वो भी सिर्फ 5000 गोल्ड में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो भाई देखो मेरा तो ये दोनों बंडल फेवरेट था, एक तो डीजेलो का, दूसरा था स्काइलर का, इसलिए मैं दोनों बंडल को पहले ही परचेस कर लिया हूँ, क्योंकि क्या पता करने वाले कब उसको हटा दे गेम के अंदर से, इसलिए भाई मैंने तो पहले एक्सचेंज कर लिया हूँ। अगर आपका भी कोई फेवरेट बंडल है उसको आप लोग एक्सचेंज जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम बात करें इवेंट कब तक गेम के अंदर आएगा, तो भाई देखो रमजान स्पेशल हो सकता है आपको गेम के अंदर गोल्ड से कंप्लीट करने वाला कुछ और न्यू इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाए, और रमजान जबकि एक बहुत बड़ा एंड मेगा इवेंट है तो भाई आने का चांस भी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। और बात करें रिवॉर्ड्स के बारे में, रमजान के थीम पे आपको उसके अंदर रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें की ओल्ड गन स्किन रहेगा और 1-2 शायद नॉर्मल सा बंडल वगैरह हम लोग को मिल जाएंगे। बाकी अगर अपकमिंग टाइम पे उसके ऊपर कुछ रिव्यू वगैरह मेरे हाथ में लगता है कि भाई एक्चुअल में कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स को ऐड किया जाएगा, तो भाई उसके ऊपर आप लोग को अपडेट जरूर मिल जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लड़के टाइम पे जितना मेरे पास लीक्स था उतना मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया हूँ। बाकी आगे जाके आप देखते करने वाले इसको ओवर क्या कुछ करते हैं, एंड भाई जैसे मेरे हाथ में कुछ और लीक्स आएगा तो मैं जरूर दे दूंगा। बाकी आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा गेम के अंदर आएगा एंड अपना समुराई बंडल गेम के अंदर कब तक आने वाले हैं। गाइस को समुराई बंडल के ऊपर कुछ कंफर्मेशन तो मेरे पास आया नहीं है, एंड यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट वेपन रॉयल की बात, उसके ऊपर आपको मैं बहुत जल्द अपडेट देने वाला हूँ कौन सा गन स्किन हमको नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, जो कि ये थे कि सनी भाई कलहारी मैप फिर से कब बैक आने वाले हैं एंड अपना मिस्ट्री शॉप कब आएगा और अपने स्टोर में लोल इमोट को फिर से कब ऐड किया जाएगा। गाइस मिस्ट्री शॉप आप सभी को नेक्स्ट मंथ भी अपने गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर हम बात करें लोल इमोट, तो भाई फिलहाल कुछ भी ऐसा लीक्स नहीं है कि स्टोर के अंदर लोल इमोट को कब तक ऐड किया जाएगा। बात करें कलहारी मैप कब तक बैक आने वाले हैं, कलहारी मैप को बार कुछ पोस्ट कुछ लीक्स वगैरह मुझे पहले से देखने को मिल गया था, लेकिन करना वालों ने पता नहीं कलहारी मैप को ऐड क्यों नहीं किया है। अब गाइस को अगर आगे जाके करने वाले कलहारी मैप को ऐड करने वाले इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन आता है तो आपको मैं जरूर दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, जो किया था कि ब्लैक बनी बंडल गेम के अंदर कब आने वाले हैं, ट्रॉपिकल ब्लड गेम के अंदर कब बैक आएगा। ट्रॉपिकल ब्लड फिलहाल के टाइम पे गेम के अंदर बैक नहीं आने वाला है, इसके ऊपर कुछ भी लीक्स नहीं मिला है। अगर आगे जाके ये बैक आना होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अभी टाइम है इसको बैक आने के लिए। और रही बात यहाँ पर ब्लैक बनी बंडल गेम के अंदर कब बैक आने वाले हैं, बहुत जल्द ही आप सभी को ब्लैक बनी बंडल अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिलने वाले हैं। कह सकते हो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर ही शायद ये आ जाएगा अपने गेम में। बाकी मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।